अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शफा यूसुफ जई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई, और वाकई खुदा का शुक्र है। हमेशा शुक्र तो अदा करना ही चाहिए, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा शुक्र अदा कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों? वो ऐसा कि कल जब मैं रात में कराची से फ़्लाइट लेकर यहाँ आ रहा था इस्लामाबाद में, तो फ़्लाइट उड़ने में ताखीर हुई। अब कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्यों ताखीर है, पैसेंजर तो सारे बैठ गए। नहीं, टेक्निकल ये मैं बता रही हूँ अपने, ये तो एक जेनेरिक अनाउंसमेंट होती है ना, जब भी आप बैठे हैं अगर लेट हो तो वो तकनीकी बुनियादों पर, तो वो क्या तकनीकी बुनियादों के बाकी बुनियादों पर आपको तो नहीं, तकनीकी बुनियादों के बाईस आपकी परवाज कुछ देर ताखीर से उड़ेगी। ये आपके हवाले से ना तमाम एयर होस्टेसेस ने और अटेंडेंट्स जो होते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स, उन्होंने करनी हड़ताल। क्यों? ये हमारा मजाक उड़ा रही है। कुछ स्टाइल बदले। तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त है अपना बक्सा उठा के दरवाजे की तरफ चल पड़े। आप या तो आप ये बताना चाह रही हैं कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ। मैं कर तो सकती हूँ, अगर कभी मैं नौकरी से निकाल ली अल्लाह ना करे, फारे हो गई तो ये भी कर सकती हूँ। लेकिन आजकल भाई ये पायलट तो जा रहे हैं मुल्क से बाहर, एयर होस्टेसेस के हवाले से हैरेसमेंट की खबरें सामने आ रही हैं। बताएंगे अभी आपको, बहुत कुछ है। चलें, मैं खैर जो बता रहा था उसकी तो कहानी सुन लो। मेरे साथ क्या हुआ? अपनी कहानियां, ये एक तो ये बड़ा मसला है ना, अपनी कहानी शुरू कर देते हैं के एयर होस्टेस फलाना ने। भाई मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ, शुरू में आप ज्यादा शुक्र कर रहे हैं, आप यहाँ से वापस आपके मुद्दे पे आती। भाई जहाज़ जो था उसमें चंद लम्हों की जो है वो ताखीर हुई, फिर थोड़ी सी ताखीर बढ़ती गई, अब ज़रा लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हुई कि वजह क्या है। उसके बाद एयर होस्टेस से पूछा गया, उसने कहा जी कैप्टन साहब अभी अनाउंस करेंगे। फिर कैप्टन साहब की अनाउंसमेंट हुई कि जहाज़ में कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आया हुआ है, कोई सिस्टम, और हम उसको रीसेट कर रहे हैं, और वो रीसेट करके अगर 100% हमें इत्मीनान हुआ तब ही हम चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। अब ये जो प्रोसेस था ये थोड़ा सा इसने वक्त लिया, तो लोगों में ज़रा पैनिक हो गया कि भाई ये अगर सिस्टम रीसेट भी हो गया, हवा में जाके सिस्टम ख़राब हो गया, क्या करेंगे? मतलब लोग ज़ाहिर है परेशान हो गए। तो कुछ लोग तो वहीं उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं जाना, नहीं जाना। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल इनकार ही हो गया, जहाज से उतर गए और उन्होंने कहा कि चलो जी हम तो उतर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जी हमने सिस्टम को चेक कर लिया है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी थे उन्होंने कर लिया है, और अब वी आर 100% सेटिस्फाइड नाउ, सिस्टम इज़ ओके, तो हम कुछ देर में फ्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि जो मुसाफिर उतर गए थे उनका सामान दोबारा निकाला जा रहा है, क्योंकि वो सामान अब जा रहा है ढूंढ रहे हैं वो, उसमें और टाइम लगेगा, उसमें वक्त लग रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक अजीब परेशानी की सी कैफियत थी, कुछ लोग जो है वो उठकर लड़ना शुरू हो गए, कुछ लोगों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है और इस तरह से, ये इस तरह हमारी कौमी एयरलाइन नहीं अलग थी, कोई अलग प्राइवेट थी जी, प्राइवेट। अच्छा, निजी निजी एयरलाइन, ठीक है। अब उस दर शोर शराबा हुआ, बहरहाल कुछ लोग उतर गए, कुछ लोगों ने शोर शराबा किया, कुछ लोग दोबारा बैठ गए, कुछ को देखा देखी, जब कुछ लोगों ने शोर किया तो मजीद लोग शोर करना शुरू हो गए कि चलो उसने शोर किया है तो अब मैं भी कुछ आवाज में लाऊं। अब वो एयर होस्टेस समझाने की कोशिश कर रही है कि देखें भाई, मतलब ये हो जाता है दुनिया में, ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप, वो अलग बात है, दिल पे ना लीजिएगा वैसे की ये बात, वो अलग बात है कि यहाँ पे जरा ज्यादा होता है, लेकिन होता हर जगह नहीं, लेकिन हर जगह होता है, होता है, हाँ, और वहाँ बड़े आराम से तसल्ली से हम बैठे भी होते हैं, हाँ, तभी से बैठे होते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश बोलने वाली एयर होस्टेसेस होती है ना, तो हम उनके सामने बोल नहीं सकते, हम उनसे वैसे ही इंप्रेस्ड हैं इंग्लिश में, हम क्या ज्यादा देर तक बहस करेंगे। ये तो बड़ा लंबा जुमला आपने कह दिया। अच्छा। एक रोस्टर्स ने इतनी कोई ऐसी इंग्लिश फड़काई तो आगे से एक हजरत थे, अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, हाँ। लेकिन ये कि हमारा उनके साथ एक लैंग्वेज बैरियर है, जिसकी वजह से भी हम उनके साथ ज्यादा फ्री नहीं हो सकते, इधर हम जरा फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो वहाँ एक बाबा जी ने कहा कि वट, तो वो बाजी जो थी वो तो अंग्रेजी में ठका ठक लगी हुई थी, और था भी वो ब्रिटिश, ब्रिटिश एक्सेंट, तो वैसे अच्छे अच्छे अंग्रेजों की भी बिल्कुल, और वैसे मरूफ भी तो है ना, वहाँ पर हम कुछ करेंगे तो वो कहेंगे चलो जी सर उतरे, घबरा भी जाते हैं, यहाँ पर हम जरा ज्यादा शोर शराबा करते हैं। अंकल जी ने कहा वट, तो बस मेरे इधर तक जो थी कहानी थी, और उन्होंने कहा प्लीज हैव अ सीट, तो फिर कहते वट, तो फिर उन्होंने कहा प्लीज हैव अ सीट, तो बस इधर बीच बचाव नहीं करवाया, मेरी फ्लाइट नहीं थी वैसे। अच्छा, ये तो साइड पे ही है वाकया, दूसरी की फ्लाइट में घुसी हुई थी। अच्छा, नहीं, यहाँ पे दो लाइनें थी। ओके, लाइन में दो लाइनें थी, जहाज के अंदर ही वाकया हुआ। नहीं, तो अब इस तरह के वाकया होते हैं। बहरहाल जहाज फिर उड़ा, खैर खैरियत से मेरा ख्याल है पहुंच गया जहाज, और मुझे लगे तो यही रहा है कि खैर आप जहाज में थे, हाँ हाँ, तो फिर तो पहुंच गया खैर खैरियत से, लेकिन ये कि वो जरा सा भी अगर हिलता ना, टर्बुलेंस थी थोड़ी बहुत कल मौसम की वजह से, मौसम तो अब वो टर्बुलेंस थी, और जरा सी टर्बुलेंस होती तो बस डर लगता था। इतनी सी इंसान की ज़िंदगी है, उसमें आप जहाज़ में बैठें और ज़रा सी टर्बुलेंस हो तो बस फौरन अल्लाह ताला याद आ जाता है, बड़े बड़े एथियस्टों को याद आ जाता है अल्लाह,
बड़े बड़े लोगों को याद आ जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला से खैर की दुआ करते हैं और दुआओं का जो सिलसिला है हमारा रमज़ान मुबारक में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं हर लम्हे के लिए, हर मौके के लिए हैं। सफ़र की भी दुआ होती है, बिल्कुल पढ़ के जानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, हमेशा पढ़नी चाहिए। और हमने जो आज आपके लिए दुआ जिसे चुना है वो दुआ है कि अगर आप किसी बीमार की इयादत के लिए जाएं, अच्छा। तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं बताई हैं, लेकिन ये उनमें से एक दुआ है जो बीमार की इयादत के वक्त आपको करनी चाहिए। आइए दुआ देखते हैं। ए तमाम इंसानों के रब, तकलीफ़ को दूर फरमा और ऐसी शिफा अता फरमा कि बीमारी का कोई असर बाकी ना रहे। तू ही शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। ये थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मसनून दुआ जो कि उन्होंने हमें सिखाई कि जब हम किसी बीमार की इयादत को जाएं तो ये दुआ करें। बिल्कुल। और अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए। अब बात करते हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज जो चीज़ हमने जो वाक़यात चुने हैं वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहादुरी थी उसके हवाले से कुछ वाक़यात हैं, वो जो उनका जज्बा, शुजात, कुव्वत, अज़्म, इस्तिक़लाल, जुर्रत, उनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो हमने चुने हैं आपके लिए सामने पेश करने के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाक़या जो कि हदीस की किताबों में आता है, मिश्कात में ये वाक़या आता है, और उसमें बताया कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मदीना मुनव्वरा में लोग डर गए, शोर होना शुरू हो गया कि गोया कोई चोर या कोई डाकू जो है वो वहां पर घुसा, अफरा तफरी मच गई। जी, अफरा तफरी मच गई। अब उसमें जाहिर है लोग पैनिक में थे। अब उस पैनिक में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जहन को बिल्कुल सही रख के सोचते हैं और फिर उसके मुताबिक एक्ट करते हैं कि अब हमें इस पूरी सूरत हाल में करना क्या चाहिए। अच्छा, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आपने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घोड़ा लिया। अच्छा, और वो जो घोड़ा था वो भी ऐसा था कि जो ज़रा सुस्त रफ्तार था और थोड़ा सरकश घोड़ा अच्छा, माना जाता था, लेकिन आपने वही घोड़ा बस फौरन लिया और आप उसकी पीठ पर सवार हुए, ज़ैन के बग़ैर आप सवार हुए और तलवार आड़े लटकाए हुए जंगल की तरफ अकेले तशरीफ़ ले गए ताकि उसका पीछा किया जाए। बहरहाल कुछ देर अब लोग ज़ाहिर है घबरा गए कि एक तो आप उस चोर डाकू के पीछे जा रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले जा रहे हैं, और फिर वो जो घोड़ा है वो भी ठीक, वो भी ठीक नहीं है, रिलायबल नहीं है। अब जब लोगों को जरा, लोग भी जाहिर है वापस उनके पीछे गए, तो कुछ देर में उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। आपने उन तमाम लोगों को तसल्ली दी और आपने कहा कि डरो मत, डरो मत, इस घोड़े को दरिया की मानिंद तेज रफ्तार पाया। तो वो जो कंट्रोल था, क्योंकि घोड़े को कंट्रोल करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस तरीके से कंट्रोल किया कि वो दरिया की मानिंद तेज दौड़ा और वो जो चोर जो डाकू था वो जो भी था वो वहाँ से निकल गया। फिर अगर हम गज़वात की बात करें जहाँ बड़े बड़े लोग हिल जाते थे क्योंकि एक घमसान का रन पड़ा होता था और बस तलवारें चल रही हैं हर तरफ से, जंगे अहद में जब मुसलमानों को हजीमत उठानी पड़ी थी और दुश्मन जो है वो हर तरफ से तीर फेंक रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत से अपनी जगह पर कायम हुए थे। आपके आपकी जो बहादुरी है, शुजात आपकी, हर एक ने उस वक्त देखी थी। फिर जंगे हुनैन में भी बहुत कम सहाबा कराम ऐसे थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए थे, और उस वक्त भी आपने अपनी जगह पर कायम रहकर मुदाफियत फरमाई। अपने खच्चर को बार बार एड़ लगाकर दुश्मन की तरफ बढ़ाना चाहते थे और वो जो मुकाबला था वो कर रहे थे। तो ये उनकी शुजात और बहादुरी जो है वो ऐसे ऐसे मैदानों में भी नज़र आई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा कराम फरमाते थे कि अल्लाह की कसम, हज़रत बरा बिन आज़िब का ये कौल है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर लेती थी और इंतहाई शदीद लड़ाई होती थी, तो उस वक्त भी हम में सबसे ज़्यादा बहादुर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे और हम उनकी पनाह ढूंढा करते थे कि उनके साथ उस वक्त वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ हमें ख़तरा कम होता था और हम में से बहादुर वो होता था जो आपके साथ दुश्मन के मुकाबले खड़ा होता था। ज़ाहिर है लीडर को देख के ही फिर हौसला आता है ना, फॉलोअर्स में तो लीडर को देख के हौसला आता है। और 313 की मिसाल तो वैसे मकबूल तरीन मिसाल है कि तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल रखना है, और छोटी सी तादाद मुसलमानों की, असलहा भी कम, माल मवेशी भी कम, हर चीज की कमी किल्लत, लेकिन वो तो ऐसी जंग हुई कि फिर दुनिया ने याद किया उसको। एक और वाकया है जो कि बड़ा मशहूर वाकया, एक तो वो है कि जब हज़रत अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जी बहुत प्रेशर है लोगों का, मैं शायद आपकी मदद ना कर सकूं, तो उस वक्त वो जुमला हम हमेशा पढ़ते हैं, वो जुमला भी याद करने के काबिल है कि चचा जान अल्लाह की कसम, अगर
ये कुफार, ये जो कुरैश वाले हैं जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर और चांद को बाएं हाथ पर रख दें ताकि मैं इस काम को छोड़ दूं, तब भी मैं ये जो तबलीग या दीन की दावत अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का काम है ये मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि खुदा इस दीन को गालिब कर दे या मैं हलाक हो जाऊँ। इसको कहते हैं कमिटमेंट टू द विजन, जो काम करने के लिए आए हैं। तो एक तो ये बड़ा मशहूर जुमला है जो हम सब पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक और वाक़िया है। अब ये वाक़िया आप सिर्फ सुनिएगा कि हिजरत से पहले कुरैश ने मुसलमानों को हम जानते हैं पढ़ते हैं कितना सताया था, किस कदर जुल्म सितम हुए थे, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे कि जिनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया था, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर बद्दुआ फरमाएं, हमारा सब्र जो है वो ख़त्म हो चुका है, हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वाकई ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जुल्म सितम के कि इंसान पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात की गई तो उनका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन पर लोहे की कंघियां चलाई जाती थी जिससे गोश्त पोस्त सब अलहदा हो जाता था, उनके सरों पर आरे रखे जाते थे, उनको चीर कर दो टुकड़े कर दिया जाता था, मगर ये अजियतें उनको दीन से बरगश्ता न कर सकती थी। अल्लाह ताला दीन इस्लाम को कमाल तक पहुंचाएगा यहाँ तक कि एक सवार सना से हजर मौत तक सफर करेगा और उसे खुदा के सिवा किसी का डर नहीं होगा। तो बिल्कुल। मतलब आप लोगों पर तो ये चीजें अभी नहीं हुई हैं जो कैसे कैसे जो जुल्म हुए पिछले लोगों पर, आपके ऊपर भी अगर ये हो तो इसके लिए तैयार रहें। पिछले लोगों पर या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में किस कदर मुश्किलात आई उसका एक चौथाई भी जो है इस वक्त की जो मुस्लिम दुनिया है उसमें से किसी पे नहीं आई है। बिल्कुल। और मतलब वो है ना कि आप आखिरी वक्त में भी उनको इस चीज की फिक्र थी कि मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना हो, उनकी तकलीफें भी मैं यहाँ पर गुजार जाऊं ताकि उनके लिए आगे का मामला आसान हो जाए। तो जी ये हैं वाकयात शुजात बहादुरी और अज़्म और इस्तक़लाल से मुतालिक चंद वाकयात हैं। ज़ाहिर है पढ़ते हैं तो आपको वाकयात दर वाकयात मिलते जाते हैं, इसीलिए सीरत को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी जी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पढ़ते हैं जी 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ नहीं लग सकता, वक्त आ गया है कि आवाम सड़कों पर निकलें, इमरान खान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज, सदारत वजीर आजम करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगले हफ्ते सऊदी अरब पहुंचेंगे। पाक चीन तिजारत बहाल, खुंजराब पास 3 साल बाद दोबारा खुल गया। आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। घर में घुसने वाले पीटीआई मुखालिफीन थे, जमायमा का पुलिस को बयान। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन का अफ्तार के लिए मुस्लिम खिलाड़ियों को दौरान मैच वक्फा न देने का फैसला। बाबर आजम ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। भारतीय बंगाल में फिरकावाराना फसादात, झड़पें, गिरफ्तारियां, मोबाइल और इंटरनेट बंद। और बशारुल असद को अरब लीग इजलास में मदऊ किया जाएगा, सऊदी अरब का फैसला। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज। अब जरा ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है शिफा बताएं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जी एक अफ्तारी की तरफ से जो आ रही हैं सामने। हमें नहीं बुलाया अफ्तारी में, हमें बुलाने के लिए नहीं है अफ्तारी, वैसे वर्कर्स के लिए, पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं पार्टी के पीटीआई के उनके लिए अफ्तारी है। जिन्होंने हम भी वर्कर हैं, झूठ बोल देंगे क्या हो सकता है। उधर पता हो कि किसने कितने शेल खाए उसको उतने समोसे देना हो सकता है, इस किस्म का मामला हो ना। हमने तो ना शेल कोई बात नहीं खाए और मैं उधर PMLN की अफ्तारी में चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ शेल का मसला नहीं। वहाँ पे आपको बोरियां मिलेंगी जरूर, राशन के थैले और वो सब सिलसिले, वो भी काम हो जाएगा। अच्छी बात है, पॉजिटिव काम है भाई। देखिए मेहमान आदमी फौरन ट्रेड का सोचता है। बिल्कुल क्या भाई, बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बड़ी मजेदार कुछ वीडियो सामने आई है और हम अक्सर मतलब खबरनामों में सुनते हैं कि फलां लीडर अवाम में घुल मिल गए। ईद पर तो होता है, ईद की नमाज इन्होंने फला मस्जिद में अदा की और अवाम में घुल मिल गए। तो ये फिक्र इतना रवायती बन चुका है कि ये अपना असर ही खो चुका है और हमें एक्चुअली एग्जाम्पल्स में भी बड़ा कम नजर आता है। भुट्टो साहब के बारे में कहते थे अवामी लीडर है, आवाम बहुत कनेक्ट करती है उनके साथ। तो लेकिन जमान पार्क में आजकल इस पर हकीकी अंदाज में अमल हो रहा है, जो जुमला अपना मानिक हो चुका था। इमरान खान साहब अपने कारकुनों के साथ जो है वो जमीन पर बैठकर रोजा अफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब मैं रोजाना मतलब पूरा रमजान जो है इसी तरह अपने वर्कर्स के साथ अफ्तारियां करूंगा। मतलब रमजान में तो इलेक्शन नहीं होते भाई, ठीक है वो उधर ही है। उन्होंने बता दिया कि 20 दिन तो अगले मेरे वहीं पर ही है, ठीक है चलो। अच्छा अब एक आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि इमरान खान साहब जो है वो लोगों को, अब ये देखें ये तो अभी बैठे हुए
हुए हैं वहाँ पर, बिल्कुल रोज़े का एंड टाइम है और दुआ शुआ हो रही है यहाँ पर। तो एक वीडियो ऐसी है जिस पर खान साहब जो है वो पश्तो बोल रहे हैं। अच्छा। बड़ी मज़ेदार वो वीडियो है और कोशिश वो कर रहे हैं पश्तो बोलने की। एक दो लफ्ज़ तो हर बंदा सीख ही जाता है ना पश्तो के, राशा जा और जमणा, ये मणा तो बहुत आम है, मणा तो बहुत आता है, मणा तो बहुत आता है। यू आर केना, हाँ तो उदरेगा ओजा। अच्छा, आप तो वैसे ही बैठी हुई। तो वो था केना केना केना, उन्होंने पश्तो के अल्फाज बोले वहां पर, बड़ा एक रद्द अमल आया लोगों का, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। दूसरी जो वीडियो थी उसमें ये था कि वो खजूर वजूर खा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और लोग उनको कह रहे हैं, वो कहते हैं बिखाओ खाओ तुम लोग बिखाओ, तो कहते हैं आपके हाथ से खाएंगे ना आप दो, तो वो उनसे वो मांग रहे हैं कि आप अपने हाथ से हमें खजूर खिलाए। उन्होंने वो दी बिल्कुल अपने जहाँ जितनी उनके पास, मेरे पास तीन खजूर है अब मैं तुम्हें दे दूँ, फिर दे दी दे दी उन्होंने। फिर जी तीसरी वीडियो जो है वो बड़ी मजेदार है, उसमें एक बच्चा है जो कि बड़ी दूर दराज से आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चा खुद बताता है कि उसके साथ क्या गपशप लगी खान साहब। अच्छा, की बच्चा वहाँ पे बैठा रहता था और वहाँ पर होता था, पुलिस पकड़ के ले गई बच्चे को, फिर जब ये बाजियाब होके निकल के वापस आया तो इसकी खान साहब से मुलाकात हुई, तो खान साहब ने इसे पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, दूर दराज के इलाके से आया था, यतीम है बच्चा, और उन्होंने कहा कि फिर वहाँ पे जिस तरह ये बता रहा था कि वहाँ किसी ने कहा कि ये आपका बेटा है और बच्चा है आपका तीसरा, उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरा बच्चा है और ये हमारे साथ ही रहेगा। तो अब ये बच्चा जो है जवान पार्क में ये रहता है, खाता पीता है, सोता है, वही बेसिकली ये अब पड़ाव डाल चुका है मुकम्मल तौर पर। सही, तो ये इंटरेस्टिंग वीडियोस थी कुछ सामने आई और लोग भाई कर रहे थे वहां पे, एक इवेंट अब चल रहा है। एक मैं अभी जरा छोड़ू ये आवाम में घुल मिल गए वाले से, चूंकि आपने बात शुरू की थी तो उस पर मैं अपना जरा एक आपको मैसेज दे दूं कि देखें ये अभी तो है, जब वजीर आजम बन जाएंगे ना फिर प्रोटोकॉल सारे जो ऐसे आ जाते हैं, फिर वो क्या जो क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और जो हमारे इनके ऑफिसर्स जो होते हैं स्टाफ ऑफिसर वगैरह वगैरह, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका क्या स्क्रूटनाइज होते हैं, वजीर आजम की फिर सिक्योरिटी ऐसी होती है कि फिर वो घुल मिल नहीं सकता, फिर ईद की नमाज, बल्कि खान साहब तो ईद की नमाज भी अपने घर पर ही पढ़ते हैं तो वहीं पर ही होते हैं, तो फिर तो उनका घुलना मिलना बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन मतलब आवाम में घुलना मिलना फिर नहीं होता है, लेकिन घुलना मिलना वो भी होता है ना कि वजीर आजम पे आपके पहले ही हमला हो गया है और खैर उस वक्त तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से, लेकिन ये वही मुल्क है जहाँ पर वजीर आजमों को शहीद भी किया गया है, तो फिर सब बैठ जाए अंदर। मैं तो खैर इस चीज के मुखालिफ, इस पर हम किसी दिन अलग डिबेट करेंगे। वो आप बता रही थी क्या वो एयर होस्टेस को क्या हुआ, एयर होस्टेस को ये हुआ कि एयर होस्टेस जो है वो क्योंकि वो आप हैरेसमेंट वगैरह की कोई बात कर रही थी ना शुरू में, आपको जब मैंने अपना किस्सा सुनाया तो मैंने कहा वो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अगली जो कहानी है वो हमने वो एयर होस्टेस बता देती हूँ, बता देती हूँ कि हुआ ये कि अच्छा ये भी हम फिक्रा बड़ा पड़ते हैं, एक तो वो घुल मिल गए और एक ही है कि नशे में वो कहीं तन्हा ना रह जाए, वो लिखा हुआ होता है अक्सर एड पे लिखा हुआ होता है बिल्कुल, नशे में वो कहीं तन्हा ना रह जाए। लेकिन एक पाकिस्तानी मुसाफिर है उसको नशे की वजह से अब कैद में ऐसा मतलब रहना पड़ गया, जरूर तन्हा भी रहेगा वो और बड़े महीनों तक रहेगा, पता लगेगा उसको ये कोई पाकिस्तानी जेल नहीं है। वाकया कुछ यूँ हुआ कि एक पाकिस्तानी शख्स मोहम्मद रजाक साहब जो है वो दुबई से मैनचेस्टर की फ्लाइट में सफर कर रहे थे, वो पहले एयरपोर्ट पर पीते पिलाते रहे, फिर उसके बाद क्या पीते रहे जूस कुछ मायूब मशरूब ये बोले ऐसे मायूब मशरूब, फिर उसके बाद वो फ्लाइट पे पीते पिलाते रहे। अच्छा। फिर वो इतना पी चुके कि जब उन्होंने मजीद मांगने लगे तो एयर होस्टेस ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी हालत पहले ही नशे से बिल्कुल ही वो गैर थी। अच्छा। फिर वो तैश में आ गए। अच्छा। और एयर होस्टेस को उन्होंने पकड़ लिया, हाथ वाथ लगा लिया और इस दौरान वो मुसाफिरों को भी गालम गलोच और धमकियां शमकियां इस किस्म का मामला करते रहे। फ्लाइट में जब फ्लाइट मैनचेस्टर पहुंची तो फौरन उधर ना आओ देखा ना ताओ देखा, गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई, अदालत में पेश किया फौरन से पहले, और अदालत ने उसे एयर होस्टेस को जिंसी तौर पर उस शख्स को हरासा करने और मुसाफिरों को धमकियां देने, माहौल खराब करने, खामखा लोगों को डराने धमकाने पर जो है वो 1.5 बरस कैद की सजा सुना दी है। मोहम्मद रजाक ने बताया कि पाकिस्तान में उनकी फैमिली की शादी जो है वो उनकी जो शादी है वो कबूल नहीं कर रही थी उनकी फैमिली और कुछ उनके वो जहनी दबाव का शिकार थे, इस वजह से उसको भुलाने के लिए वो पारों को भुलाने के लिए वो पीते रहे और बस फिर वो पारों पहले पारों को भुलाने पहले पारों को भुलाने के लिए पीते रहे, फिर उनको दूसरी पारों नजर आ गई उधर, तो कुछ इस किस्म का मामला उनके साथ हो गया। और जो इसीलिए अल्लाह ताला ने मना किया है, सख्त हराम है, बिल्कुल जी हराम एक चीज है, आप उसकी तरफ जाएंगे तो इस तरह की हरकतें होंगी बिल्कुल। इससे अच्छा ये हमारे पाकिस्तानी पैसेंजर तो है, मैं एक और चीज आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि न्यू दिल्ली न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट थी, एयर इंडिया की थी, उसके अंदर एक स्टूडेंट था, उसने भी यही मामला किया हुआ था, मायूब मशरूफ पिया हुआ था और उसने बिजनेस क्लास के पैसेंजर पर रफा हाजत कर दिया जाकर, जी बड़ा वहां पर केस बना था बिल्कुल। और इसी तरह का एक और वाक्य था, एक और खातून थी उन्होंने भी यही हरकत की थी,
वो खातून तो जी वो भी आधी नशे में थी, उन्होंने कपड़े वपड़े उतार के वो जहाज़ में फिरना शुरू हो गए, लोगों ने उनको पकड़ा, वो मतलब एक अजीब बेहूदगी होती है। तो ये शराब जो है वो ऐसे ही नहीं मना की गई। और फिर जब यहाँ से जब कोई फ्लाइट जा रही होती है और मुफ्त की मिल रही हो तो फिर तो लोग और आपे से बाहर हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, तो वो तो फिर ऐसा आप देखें ऐसा लगता है उनको बस ऐसा लगता है जिंदगी में बस यही मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, गालिब बन जाते हैं सब लोग। चले बहरहाल ये तो थी जी कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज, वक्फा ले लेते हैं, मेरे ख्याल में 39 हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, वक्फा ले लेते हैं, आगे हमारे पास बहुत बहुत काम है करने को। चलें जी वक्फा लेते हैं। ठंडी हवा का झोंका लोगों की जिंदगियों में शामिल करने के लिए पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत जो है वो कोशिशें कर रही है। और आमिर खान बॉक्सिंग की दुनिया का तो एक बहुत बड़ा नाम है ही, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को मुतारिफ कराया, पाकिस्तान को बॉक्सिंग की दुनिया में एक वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड स्टेज जिसको कहते हैं उस पर ले गए। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम होने के बावजूद अपनी धरती अपने वतन से नाता जो है वो कायम रखा हुआ है, वो बाकायदा तौर पर यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ बॉक्सिंग एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं, चला रहे हैं, बिल्कुल लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो बॉक्सर बन सके। बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले आमिर खान फलाही कामों के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। बिल्कुल, और खुसूसन रमज़ान मुबारक में वो अपने आबाई शहर गुजरात में काफ़ी रफाही काम करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने की मुहिम शुरू की हुई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीर भी वायरल की, एक तरीके से शेयर की, फिर वो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी गुजरात आया हुआ हूँ, यहाँ हमने खुराक के थैले तकसीम किए हैं। और उन्होंने दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुरबत है, इसीलिए हम तमाम लोग जितने भी लोग हैं वो सब ज़रूरतमंदों की मदद करें। आमिर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम फॉर द शो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब गुजरे मैंने वैसे, और टुडे आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, आज बहुत भूख लगी है। क्यों क्यों लगी है बहुत? अच्छा क्यों आज थकावट भूख शुक जरा ज्यादा क्यों, ये कोई खास मामला है, कोई खास वर्कआउट किया आपने? नो आज चिल्ड्रन का दिन था, सो मैंने उन्हें को ले आया था इधर अबू धाबी में। अबू धाबी में एक लाइक दिस प्ले एरिया, सो उनके साथ इधर आया हूं, वार्नर ब्रदर्स। अच्छा, इट्स लाइक अ प्ले एरिया, राइट्स फेयर ग्राउंड है, सो मैंने सोचा इधर उनको ले आऊं। एंड इट्स बीन अ अर्ली स्टार्ट फॉर मी। गुड, अच्छा तो ये बताएं आप चेसिंग देम एवरीवेयर। आप रमज़ान आपने पाकिस्तान में भी गुजारे हैं, फिर उसके अलावा दुबई अबू धाबी वगैरह में भी आप रमज़ान गुजारते हैं, और यूके में तो खैर आपने जाहिर है सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो वहाँ का भी रमज़ान आपने देखा हुआ है, ये तीनों जगहों के रमज़ान में फ़र्क क्या है? फर्क क्या है? सो सब गोज में रखता, पहले यूके में उधर मैं रहता था फुल टाइम के लिए, सो उधर भी यू नो स्टिल गुड, स्टिल लॉ ऑफ सब मस्जिद जाते उधर रोज़ा खोलते, फिर मस्जिद के पास वी गो होम और एवरीबॉडी ईट्स अ बिग मील टुगेदर। और पाकिस्तान में मैंने बस एक दफ़ा किया है, लास्ट वीक मैंने किया था, उधर भी यू नो द होल स्ट्रीट्स हैव स्टॉप्ड, सब एवरीवन्स आर होम, यू नो पाकिस्तान भी अच्छा था। ये पाकिस्तान क्यों, मैं भी बिजी था उधर, आई वाज डूइंग लॉट ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूशन, जी जी जी, सो मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, पर नॉर्मली हमने गर्म किया था, इट्स नाइस एंड इजी काम, पर दुबई में भी आल्सो वेरी काम एंड इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस क्वाइटली डन, और बस मे बी आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट बिजी होता है, लॉट ऑफ कार्स गो ट्राई टू गेट होम एंड स्टफ, बट अदर देन दैट इट्स ओके, क्वाइट काम रियली। मुझे बहुत अच्छा लगता है यूके में, कैसे हम यूके में करते रमजान, अच्छा क्यों, ऑल माय लाइफ आई हैव डन इन द यूके, सो उधर मुझे आई डू मिस द यूके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यूके का रमजान तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन बचपन की रमजान की आपकी कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको याद रह जाती हैं? कजन्स वगैरह के साथ। रमजान की मेमोरी, सो अभी मेरा कजन भी साजिद महमूद, वो उसने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला था जी, वो भी मेरा कजन था, सो हम सब खेलते थे क्रिकेट ऑन द आउटसाइड, then mother and father would say aaja andar roza kholo aap, and we all used to go inside the house and we all used to open roza together, so you know wo yaad aata hai hum kaise karte the, hum chote the, I was must have been about 10 years old, 10 saal ka tha main,
बाहर खेलते फुटबॉल क्रिकेट कजन के साथ फैमिली से कॉल हुआ हमें आ जाओ अंदर अभी रोजा खुल गया है सब बच्चे को अभी ले आओ सो हम जाते थे अंदर रोजा खोलने के लिए यू नो यंग थे हम वी नेवर यूज्ड टू फील द रोजा अभी थोड़ा सा ओल्ड हम यू नो व्हेन यू गेट ओल्डर इन लाइफ यू स्टार्ट फीलिंग द रोजा मोर ये तो है बिल्कुल उस वक्त तो बचपन में यही होता है ना आप खेल रहे होते हैं आपको रोजे का पता ही नहीं होता ना अच्छा, आपने किचन में कुछ जाके करना होता है ना ही अम्मी से आपको डांट पड़ती है इस बात पर कि तुम तो किचन में आए नहीं तुम जानते नहीं हो अच्छा रमजान में यूजली चूंकि मतलब बीइंग अ बॉक्सर वो एक इमेज आता है ना कि बड़े अग्रेसिव होते हैं बॉक्सर तो रोजे के दौरान आप अग्रेसिव होते हैं या बड़े काम डाउन रहते हैं मैं क्वाइट काम रहता हूँ क्यों अभी देखो मैं फाइट करता था हम वजन बनाते थे बॉक्सिंग में भी हमको वजन बनाना था लाइक फॉर एग्जांपल 10 स्टोन 7 पाउंड्स ऐसे कुछ सो मैं बनाता था वो वजन और इट्स ऑलवेज वेरी हार्ड अभी इमेजिन टू लूज 1 स्टोन इन 1 डे एक दिन में एक स्टोन लूज करो 14 पाउंड्स वेरी डिफिकल्ट होगा ना सो आई वाज ऑलवेज वेरी काम और प्यास लगती थी हंगर भी लगता था यू नो यू शुड बी हंग्री एज वेल भूख भी लगती थी पर यू नो टू स्टे काम It's all in the mind. Or but you know, if you stay calm and relaxed, then itne bhook nahi lagti. Then you kind of forget about it. Kuch aur socho. Don't think about food. Think about other things. Don't think about food. Think about anything else. Lekin let's just think about food for a while. Abhi let's just do it. Ramzan mein aapka food preferences kya hoti hain? Aur ye bataye Faryal khas kaun si cheez aapke liye banati hain? Faryal is here. Faryal ki maza kaun sa hai as well. Faryal bhi idhar hai. He's near me. Faryal, they said to me, what do you cook for me? Kya banati hai? Hi, assalamu alaikum. What do you make for me? I don't know. We have a cook. Hamare paas cook cake. Faryal doesn't make nothing. Yeah, just breakfast. Breakfast bas banati hai hamare liye. Good. Make paathe, but alhamdulillah, one second. But alhamdulillah, you know, mujhe, normally like, for example, ek Ramzan mein ek cheez karni hai, you know, you have to stay very calm. काम रहने चाहिए और यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड यू हैव टू बी वेरी नमाज भी पढ़ो बस रोजे ना रखो नमाज भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो सो दिस इज वन ऑफ माय मोटोज यू नो रोजे क्यों रखते हो अकेले यू शुड ऑलवेज प्रे नमाज एंड आल्सो प्रे कुरान एज़ वेल बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि रोजा रखें आप नमाज भी पढ़ें कुरान भी पढ़ें ये इबादत बड़ी जरूरी है अच्छा एक और इबादत है वो है सारा जो चैरिटी वर्क आप करते हैं तो चैरिटी वर्क आप बहुत सारा कर रहे हैं इस मरतबा चैरिटी वर्क क्या क्या हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है जी सो अभी हम चैरिटी हम फाउंडेशन है मेरे पास और हमने एक अभी एक स्कीम शुरू की वी आर गोना बिल्ड अ हॉस्पिटल हमारे विलेज में हमारा विलेज है नागामटोर वो पिंडी के पास है सो इंशाल्लाह पिंडी काउटर के पास है सो इंशाल्लाह हम उधर खोलेंगे एक हॉस्पिटल तो मैंने अभी नाम दिया इंशाल्लाह बनाएंगे हॉस्पिटल उधर एंड दैट्स माय ड्रीम सो विदिन द नेक्स्ट 12 टू 14 मंथ्स इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा सो आई एम गोना डू माय रमजान में मैंने नियत की उस हॉस्पिटल बनाने का सो इंशाल्लाह जबरदस्त ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप हॉस्पिटल बनाएं और बहुत जरूरत है पाकिस्तान में अच्छा हेल्थ केयर की अच्छा ये बताएं राशन की जो तकसीम है जाहिर है वो भी अभी इस वक्त लोगों की जरूरत है राशन की तकसीम जो है उसकी तस्वीर आपकी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई वो कहाँ कहाँ हो रहा है मामला हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब में किया था उधर भी किया था हमारे विलेज में नागामटोर में और उधर भी क्या नाम है जेलम में गए थे उधर डिस्ट्रीब्यूशन किया था कितने गरीब बंदे पाकिस्तान में अल्लाह ने हमको बहुत दिया सो मे भी ये हमारा टेस्ट है हम क्या करेंगे दूसरे को हम हेल्प करेंगे या नहीं हेल्प करेंगे सो ये बस हमको करना है सो इंशाल्लाह यू नो मे बी दिस विल मोटिवेट मोर पीपल आल्सो टू हेल्प द लेस फॉर्चुनेट हाँ ऐसे ही बिल्कुल लोग सारे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं जब आप जैसे लोगों को देखते हैं वो कि आप लोग सोशल वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पंजाबी पीपल हो रही है हमारे शो पे लाइव ओके जबरदस्त फैन मोमेंट्स हैं जी छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है आप लोगों के साथ सेल्फीज खिंचवाएं एंड
थैंक यू आमिर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सेल्फीज हो रही है, मजेदार भाई। पहले बेगम ने आके फोटो बॉम्बिंग की, फिर उसके बाद फैंस ने आके फोटो बॉम्बिंग की, लेकिन ये चीज चलती है जहाँ पे, जाहिर है आमिर खान इतना बड़ा नाम है, जहाँ पर उनको पब्लिक में पब्लिक देख ले तो फिर तो मौका हाथ से कैसे जाया करे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आमिर खान ने हमें वक्त दिया और बड़े अच्छे उनसे सेशन रहा। अच्छा, आप जरा कराची की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जो बात आप खाने की कर रही थी, कराची में जो दो तीन दिन मैंने गुजारे हैं उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि गैस की शदीद माशाल्लाह से किल्लत है। बातें तो हो रही हैं कि कैसे अच्छी अच्छी बातें करके मुस्कुराहट मुस्कुराहट चेहरे पे से फौरन। हाँ, तो ऐसे ही होगा, यही है मूड चेंजर जिसको हम कहते हैं ना। तो गैस की किल्लत है कराची में, और कराची वाले जो हैं वहाँ पर बड़े परेशान हैं, क्योंकि मैंने तो खुद दो सहरियाँ ऐसी की जिसके अंदर गैस नहीं थी। देखिए, दो टाइम तो गैस की होनी, ऐलान किया था, ऐलान किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। शिराज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, सूरत हाल जानते हैं। जी सलाम अलैकुम शिराज। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शिराज भाई, जरा बताइएगा कराची में ऐलानात क्या हुए थे और गैस की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह ऐलानात तो बड़े अच्छे होते हैं और बड़ी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और बड़े जो डिपार्टमेंट के लोग हैं SGC के, वो बड़ी प्लानिंग करते हैं कि इस तरह से किया जाएगा और इस तरह से किया जाएगा, लेकिन अमली इकदाम हमें कहीं भी होते हुए दिखाई नहीं देते, जिसका खमियाजा हमेशा की तरह शहरियों को ही भुगतना पड़ता है। इस माह रमज़ान के मुकदस महीने में शहरी जो है इस वक्त सहरी और इफ्तार में गैस से महरूम हो जाते हैं, जबकि 8 से 10 घंटे जो गैस की लोड शेडिंग है वो भी की जा रही है। SGC हुकाम से बताया गया था कि सहरी और इफ्तार के औकात में जो घरेलू सार्फीन हैं उनको प्रायोरिटी बेस पर गैस फराहम की जाएगी ताकि वो बआसानी रोजे अपने गुजार सकें, लेकिन सूरत हाल ये है कि सहरी के औकात में गैस या तो बिल्कुल नहीं होती या तो लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से खवातीन के लिए घरों में सहरी तैयार करना इंतहाई मुश्किल होता चला जाता है, और साथ ही साथ इफ्तार के औकात में भी गैस की जो लोड शेडिंग है वो देखी जा रही है। इलाकों की अगर बात करें तो कराची के तकरीबन 70% हिस्सा इस वक्त गैस बहरान या गैस लो प्रेशर की वजह से शदीद मुतासर दिखाई दे रहा है। लांडी हो, मलीर हो, कोरंगी हो, सदर गार्डन या फिर सरजानी टाउन या गार्डन के मुख्तलिफ इलाके या लियारी या गुलशन हदीद, कराची का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां गैस की जो फरामी है वो मुतासर ना हो। सभी लोग इस वक्त हमें शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह 6 बजे के बाद जो है वो गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है, और वो घराने जहाँ छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जो लोग रोजे नहीं रख सकते उनके लिए घरों में खाना पकाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। माहे रमजान में होटल्स और रेस्टोरेंट वैसे ही सुबह के औकात में बंद होते हैं, और ऐसे में जो फैमिलीज हैं वो शदीद परेशान है, बहुत शदीद परेशान है। दूसरी जानब SGC की जानब से भी ये मौका क्या है, जब नहीं आ रही होती इंतजार करते हैं और क्या नहीं, मतलब कि कोई और जुगाड़ उन्होंने लगाया है, कोई सिलेंडर्स हैं या जाहिर है वो भी अब महंगे, कितनी कीमत हो गई है उसकी भी, तो आपको क्या पता चला लोग क्या किस तरफ फिर ज्यादा जाते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट? देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो शायद सिलेंडर अफोर्ड कर ले। इस वक्त सिलेंडर की कीमत भी तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये है, जबकि गैस आप उसमें भरवाने जाएं तो 4.5 से 5.5 हज़ार रुपये खर्च आता है। यानी एक जो गरीब और मुतवसित तबके के लोग हैं उनके लिए तो सिलेंडर खरीदना किसी इम्तहान से कम नहीं है, और उनके लिए आखिरी में यही कुछ रह जाता है कि वो इंतज़ार करते हैं या जब गैस आती है उस वक्त काम करते हैं, दिन भर वो गैस चेक करते रहते हैं। खवातीन माचिस जला जला कर चूल्हे चेक करती रहती हैं कि कब गैस आए और कब वो अपने काम मुकम्मल करें। यही सूरत हाल जो है कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां हमें दिखाई दे रही हैं, जहां फैमिलीज जो हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रही हैं। ये भी बताइएगा, आखिरी चीज मुझे बताएं कि वो एक डिवाइस आजकल लगा रहे हैं लोग जिससे गैस प्रेशर जो है वो उनके घर में बढ़ जाता है, सक्शन पंप होते हैं वो, और उससे बाकियों को गैस नहीं मिलती, वो एक तरीके से गैस की चोरी कर रहे होते हैं लोग, जुर्म है वो। तो उसके हवाले से कोई हुकूमत कोई इकदाम कर रही है या SGC वाले कि भाई वो डिवाइसेज जिन्होंने लगाए हुए हैं वो ना लगे या निकाले जाए, कोई जुर्माने? जी बिल्कुल, SGC की जानिब से इसको जो है वो क्राइम करार दिया गया है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी हमने अमल होते हुए दिखाई दी है। ख़ास करके जो होटल मालकान हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि घरेलू सार्फीन की जानिब से भी कुछ हद तक इस तरह के जो अवामिल हैं वो किए गए हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक है। और कराची में मुख्तलिफ जो गैस के धमाके हुए हैं कुछ हालिया दिनों में, उसकी वजह भी यही थी कि ये सेक्शन पम्प लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो गैस के बनने की वजह से जो धमाके हुए और इससे काफ़ी
ज़्यादा जो नुकसान हैं वो शहरियों को उठाने पड़े। तहम SSDC की जानब से वक्ता फ़वक्ता मुख्तलिफ कारखानों, होटल्स और जो घरेलू सार्फिन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो अमल में लाई गई हैं, लेकिन अब भी इसका इस्तेमाल जारी है। लेकिन लाइनों में जब गैस ही मौजूद नहीं होगी तो सेक्शंस पंप भी क्या काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ चंद घंटों के लिए ही कराची वालों को जो गैस है वो फराहम की जा रही है। बिजली की फराहमी पहले ही उतार चढ़ाव का शिकार रहती थी, अब गैस की जो लोड शेडिंग है उसने भी शहरियों को दुगना परेशान कर दिया है। रोजे के टाइम पर ना तो गैस होती है और अगर लोड शेडिंग हो जाए तो जनरेटर। हम हमारे साथ शिराज अहमद साहब नुमाइंदे मौजूद थे और कराची में जो लोगों के रोजे आसान भी करें, मदद भी करें उनकी जो ये मसाइल हैं और गैस के मसाइल, महंगाई के मसाइल, राशन आटे के मसाइल, मसाइल ही मसाइल हैं और वसाइल की किल्लत है और मसाइल की ज्यादती है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ करोगे जब मतलब तो ही बात बनेगी कुछ। आपको अपने एक तो लोगों को अपनी ये चोरी वाली हरकत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है कुछ भी है नहीं मिल रही गैस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब गैस आ रही है तो आप वो सक्शन पंप लगा दें। और वो बड़े बड़े मतलब जरूरी नहीं है कि मुतवस्सित तबके में वो चीज़ ज्यादा हो, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े इलाकों में पॉश एरियाज में लगाया हुआ है, वहां पर भी नेबरहुड को बड़ी तंग और तकलीफ का सामना होता है और ये सब पता है, सबको पता है, चोरी सब पता है कि ये हो रहा है, उसके बावजूद अगर छापे नहीं मार रहे तो फिर वहां से कुछ ले रहे हो। लेकिन वो आवाम को भी जो है वो मसला नहीं है, चोरी कर रहे हैं वो, ठीक है वो कहते हैं भाई सही है अब हमने जायज करार दे दिया, तो चोरी करनी है ना, जब तक पुलिस डंडा नहीं दिखाएगी तो आवाम तो चोरी करेगी। तो रमजान में आप चोरी कर रहे हैं, मुसलमान आवाम रमजान में चोरी कर रही है, इस पर हमें खुद कुछ करना चाहिए भाई। बहरहाल फल लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम में बहुत कुछ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बाबूक्रेसी, और इसको एक बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं और लोग ये कहते हैं कि भाई दफ्तरों में बैठे होते हैं, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, काम कोई होता नहीं है। ये तो लाजमी, ये बात तो लाजमी है, बता रहा हूँ आपको ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन लेकिन बार बार हम आपसे की मुलाकातें कराते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, उसकी वजह ये होती है कि वो जितना काम कर सकते हैं, जितना सिस्टम सपोर्ट करता है उतना वो करते हैं, और जहाँ नहीं कर सकते वहाँ पर हम फिर उनको ज़ाहिर ज़रा हिलाते हैं, जो जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये हमारा काम है कि हमने ये करना है। लेकिन ऐसे ही इसी निज़ाम से काबिल तरीन सिविल सर्वेंट्स की भी एक लिस्ट है और उसमें अब ताज़ा तरीन जो एक शमूलियत हुई है वो अहमद नवाज़ सुखेरा साहब की हुई है, जिन्होंने कि एक लंबा तवील सफ़र पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में गुजारा है। 1984 से अगर हम लगाएं तो 38 साल उन्होंने गुजारे, और उसमें कितनी हुकूमतें आई, उसमें 23 हुकूमतों के साथ काम किया, 5 वजीर आजमों के साथ काम किया और कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको आप कहें कि जो आला तरीन ओहदा होता है और करीब तरीन सारी गवर्नमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से नोटिस किया। और अच्छा ये भी होता है, एक सवाल ये भी होता है, ये सारी जहते हम इनसे आज डिस्कशन में खोलेंगे एक एक करके, कि लोगों का ये मानना है कि हर एक की ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट, गवर्नमेंट आती है अपने लोग लगाती है और फिर वही उनके साथ लॉयलिस्ट की तरह चलते हैं। लेकिन एक शख्स अगर इतनी हुकूमतों के साथ, इतने वज़रा आज़मों के साथ काम कर रहा है तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि सारे ही इनसे खुश हैं? कभी कोई स्ट्रेटजी थी जब ही हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया? बिल्कुल। हमारे साथ अहमद नवाज सुखेरा साहब मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamualaikum ji, thank you very much for having me. बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, और फॉर ऑल योर सर्विस टू द नेशन, और आपके वालिद साहब को भी प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया, तो ये फैमिली का कुछ चल रहा है सिलसिला सिविल सर्विसेज का? अल्लाह का करम है जी, या कोई मुकमुका है? आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ा एहसास है। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि वो तस्वीर भी हम चला रहे हैं साथ साथ, जहाँ पर सुखेरा साहब ने ट्वीट किया अपना तमगा लेते हुए और इनके वालिद साहब को जब तमगा मिल रहा था उसकी तस्वीर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। एक चीज जिससे हम आगाज करना चाहेंगे, वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी जहते हैं, जब सिविल सर्विसेज से रिटायर होते हैं तो जाहिर है फिर कुछ अरसे के बाद एक किताब आती है, उनमें सबसे मशहूर किताब जैसे शहाबनामा आप पढ़ें भाई, सबने पढ़ी होती है, आपने भी जाहिर है पढ़ी होगी, उसमें फिर बड़े बड़े राज निकलते हैं, लोग कहते हैं कि भाई देखो ये आप उस वक्त क्या कर रहे थे, टॉक शोज होते हैं और फिर टॉक शोज होते हैं उन किताबों के हवाले से, तो आपने भी कोई किताब लिखने का सोचा हुआ है? वैसा इरादा तो बहुत है, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि क्यों हर एक से लड़ाई करनी है, सो देखें इंशाल्लाह। आई थिंक कौम का हक है कि वो जाने वो चीज़ें जो एज इनसाइडर्स टैक्स पेयर्स के पैसे पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं वो किस तरह से उनका क्या कॉन्डक्ट होता है, कैसे काम करते हैं, सो आई थिंक
ये एक अच्छी ट्रेडिशन है। तो आपसे खुश कैसे रही हैं ये सारी हुकूमतें? कुछ तो वजीर आजम ऐसे थे कि बिल्कुल आमने सामने गुत्थम गुत्था नहीं हुए, बस वो बाकी तो उनका झगड़ा मुसलसल चल रहा है आज तक। तो आपने बड़ा आराम से टाइम उनके साथ भी गुजारा, उनकी गवर्नमेंट्स के साथ गुजारा, फिर उनके बाद जो आए उनके साथ भी आप आराम से चल गए। आपको किसी ने ये नहीं कहा उठा के OSD लगा दो या छुट्टी करा दो, साइड पे रख दो? बाल बाल बचता रहा। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक ये अंदर की वेयर एंड टेयर नजर नहीं आती है। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स तो हर जगह होती हैं जी, लेकिन आई थिंक ओवर, अगर आप 38 साल काम करें तो लोगों को बाय एंड लार्ज आपका पता होता है कि आप कानून के मुताबिक चलेंगे या नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही। और हमें पोस्ट करने वाले ऑब्वियसली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं या जैसी भी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, दे हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि कौन किस खमाशिया आदमी। बिल्कुल। तो अगर आपकी रेपुटेशन हो, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक काम करेंगे, नाजायज से घबराएंगे करते हुए, तो आपको ज़हमत नहीं देते। हाँ, तो आपके नाम में सुख आ रहा है, तो आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि इनको सुख दो? नहीं सर, कानून के मुताबिक अगर किसी को, हमारा काम तो सिर्फ कानून जो पार्लियामेंट बनाती है उसको फिर उसके मुताबिक काम करना। हम तो ना कानून बनाते हैं ना रूल्स भी कैबिनेट अप्रूव करती है। एग्जैक्टली ऐसे ही, सो रूल्स लॉ रेगुलेशंस उनके मुताबिक। लेकिन ये जो आपने 38 साल गुजारे, आप क्या कहेंगे, ये सुखैरा साहब के लिए सुख के साल थे या इसमें बड़ी जंगें थी? सर बिल्कुल जंगें भी हुई, अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर जीती, लेकिन ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पुल्स एंड पुशेस तो होंगे। होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक इवेंचुअली द गुड ऑलवेज विंस। तो अगर मैं गलत हूँ और कोई और ठीक है तो उसका हक बनता है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो लाइफ को बड़ा सिंपली लेता हूँ जी, अगर आप सीधा सीधा चलेंगे तो इवेंचुअली यू नो अल्लाह ताला विल हेल्प यू। तो इतने सालों में जितने डिपार्टमेंट्स में आपने सर्व किया, उसमें कौन सा ऐसा था विच वॉज द बेस्ट, आपने कहा कि बस ये तो हेवन है, और कौन सा ऐसा था जिसमें कहाँ आके मुसीबत में फंस गए हम? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा। मैं अपने आप से अक्सर यही पूछता हूँ, आई थिंक आई एंजॉयड एवरी जॉब, लेकिन एक में मैं घबराया था, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। मुझे 3-3.5 हफ्ते के लिए लाहौर का मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाया। अच्छा। मतलब मैंने सोचा कि LSE, विलियम्स कॉलेज, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, हार्वर्ड इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है और शहर में सफाई का इंचार्ज लगा दिया। लेकिन उन 3 हफ्तों या 4 हफ्तों में जो मैंने सीखा, फॉर एग्जांपल शहर की सफाई, हम लोग इतनी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, कभी हमने रियलाइज किया कि सुबह जब घर से निकलते हैं तो सड़कें आखिर किसी ने तो साफ की हैं? बिल्कुल, यस। जिस और कितने लोग आप भी देखते होंगे इवन ऑन मोटरवेज, जी, शॉपर उठाया, रैपर उठाया, बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। अगर सड़क साफ होती है कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर उस पर एक शॉपर गिरा होगा फौरन तो आप कहते हैं कहाँ है सफाई का अमला। और फिर एक उसका ह्यूमन एलिमेंट भी था, शहर में खाकरो मैनुअली सफाई करते हैं। जी हाँ। मुझे तो दुख है, इवन इस्लामाबाद में अभी तक मैनुअल चल रही है। बिल्कुल। आप इमेजिन करें कि कितनी डस्ट इनहेल करते हैं। उस टाइम की बात है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 60% लोग ट्यूबरक्लोसिस TB हो जाती थी, जो सफाई का अमला होता था हमारे पास। और उस टाइम गवर्नमेंट से एक गलत ऑर्डर करवाया गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि मेडिकल बेसिस पे रिटायरमेंट नहीं होगी। अच्छा। सो बहुत लोगों को TB भी थी और मेडिकल बेसिस पर रिटायरमेंट भी नहीं होने। सो जब मुझे लगाया, वैसे भी मैं दिल चला था कि अपनी मर्जी के खिलाफ गया था, सही। सो मेरे नोटिस में जब उन्होंने आके ये बताया, आई रोट इट ऑन फाइल, रिकॉर्ड में होगी कि जब कानून इजाजत देता है तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैसे उसे एंड आई अलाउ। और फाइनली मुझे मेयर ने, जब उन्हें पता चला, ही वॉज वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर, और चीफ उस टाइम के चीफ मिनिस्टर साहब से वो पाबंदी लगवाई गई थी, द लॉर्ड मेयर ऑफ लाहौर थैंक मी बिकॉज एक ह्यूमन एलिमेंट था। सही। सो यू नो, अब जिस महकमे में मैं बड़ा घबराते हुए गया था, शायद उसमें मैंने सबसे ज्यादा सीखा। बिल्कुल। और वो लेसन सिर्फ मैंने नहीं सीखे, आगे मेरे बच्चों ने भी सीखे,
के गाड़ी से बाहर चीज नहीं फेंकती। हमारी नौकरी की सबसे अच्छी चीज थी वैरायटी, बाकी सर्विसेज में आप एक तरह का काम जनरली करते रहते। लेकिन लोग उसको फिर इस तरह से भी लेते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होता, हर तरफ आते हैं और फिर कभी कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, तो फिर वो जो स्पेशलाइज्ड वो फील्ड है उसके हवाले से भी लोग फिर क्रिटिसिज्म करते हैं। आई थिंक बड़ी वैलिड डिबेट है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, लेकिन हमारी सर्विस में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इट्स अ मैनेजीरियल जॉब। आप हर तरह के स्पेशलिस्ट से काम करवाना आपका काम है, आप सीखते हैं, आप करते हैं। स्पेशलिस्ट अपने कोर एरिया का एक्सपर्ट होता है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं, हमारा काम मैनेजीरियल है। सही है। सो लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर को होना चाहिए या नॉन क्रिकेटर को होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। लेकिन क्रिकेट की बात आई तो आप जरा अपनी क्रिकेट की भी तो कुछ यादें लेकर आए। जी, क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट लव, एंड माय वाइफ नोज दैट टू। लेकिन क्रिकेट छोड़ के नौकरी में आना पड़ा, वालिद की ख्वाहिश थी उसके इतराब में। ये वीडियो आई थिंक मिड 80s की है, जब इमरान खान साहब को शिन पे वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ हुआ था, तो ही वाज मेकिंग कम बैक एज अ बैट्समैन। ये ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम आई थिंक 60 मिनट्स ने उस टाइम बनाई थी, और अभी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो बाई चांस उन्होंने वो अपडेट की, वो वाली डॉक्यूमेंट्री क्लिप अगेन फाउंड इट्स वे इनटू दैट। सो इसमें आहिस्ता करनी थी, उनकी टांगों से दूर करनी थी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी इंजर्ड, लेकिन मेरे ये 5 seconds ऑफ फेम थे उन्हें बॉलिंग करते हुए। बाय द वे मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत के साथ क्या याद है एक सिंह के टाइम से। अच्छा, बट बिफोर दैट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता था। 82 में मैं लंदन से मैं वहाँ पढ़ रहा था, LSE में आया हुआ था ईस्टर ब्रेक में, और खान साहब वॉज एट इज फास्टेस्ट। तो मुझे एक दिन खेलने का मौका मिला उन पे, कोई 1 घंटा बैटिंग की तो कैसे अच्छी हो गई। एंड ही वॉज वेरी काइंड एंड ही टोल्ड मी के जब मैं इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड वापस आते हैं टेस्ट सीरीज के बाद, श्रीलंका के साथ ही आई थिंक, तो उनका तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हारे अपनी काउंटी से ट्रायल्स करवाता हूँ। लेकिन मैं बच्चा था, डर गया कहाँ, क्यों उस इतना दुनिया का सुपरस्टार और कहाँ एक नोविस। सो आई थिंक आई चिकनड आउट मे बी, सो आई डिडंट गो। मैं एक्सन का क्रिकेट कैप्टन था 78-79। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ साहब, इनके अपना क्रिकेट क्लब था, पॉलिटिक्स में नहीं थे, हमारा ग्राउंड बहुत अच्छा था, सो वो भी आया करते थे मैच लेने के लिए, और हमने बड़ी क्रिकेट, मैं तो ए लेवल्स में था, इकट्ठे खेली। ही वाज अ फाइन प्लेयर टू, और बहुत ज्यादा शौक था। तो ये जो खान साहब कहते हैं ये तो एम्पायरों को मिला के खेलते हैं, खान साहब सही नहीं कहते, इसका मतलब है अच्छे प्लेयर हैं। मेरे को अच्छे प्लेयर थे खान साहब, ऐसे ना करें, देखिए आपके मुकाबले में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, अदरवाइज ही वाज ओके। नहीं नहीं, देखें अब शायद शौक, जो शौक है ना जी, उसका एहतराम क्रिकेट का किस पाकिस्तानी को नहीं है, और शुक्र है खुदा का अब तो बच्चियां भी खेल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू नो, ये इनकरेज करना चाहिए किसी भी उम्र में हो, और मैं अब खास क्योंकि खुद 20 साल के बाद दोबारा जब मैंने इस्लामाबाद क्लब में क्रिकेट फैसिलिटी बनाई, एडमिनिस्ट्रेटर मुझे अपॉइंट किया गया था, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी खूबसूरत, किस दिन देखिएगा आप, तो मैंने दोबारा खेलना शुरू किया, और अब मैं शायद मियां नवाज शरीफ साहब का क्रिकेट का शौक ज्यादा अप्रिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि यू नो एक पैशन है, आप पैशन है, प्यार है। तो आप क्रिकेटर्स भी ढूंढते रहे हैं अपनी सर्विस में? जी, क्योंकि क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव था, जहां भी गया ट्राई किया कि स्पोर्ट्स को और खासतौर पे क्रिकेट को सपोर्ट करूं। तो एस डी सी शेखुपुरा मैंने अजमत राना, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनको मैंने पहला पाकिस्तान में प्रोफेशनल कोच हायर किया था अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। सही है। तो वहां से और उन्हें एक ही टास्क दिया था कि ईमानदारी से मुझे 25 बेस्ट लड़के डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्ट करके दो, और हम लोग नेशनल अंडर 19 जीते, फर्स्ट कायदे आजम ट्रॉफी में हम टॉप की 5 टीमों में रहे, हालांकि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, सिर्फ ईमानदार सिलेक्शन की वजह से। उनमें से 2 लड़के पाकिस्तान खेले विद इन 1 ईयर, और आप हैरान होंगे सुन के, उनमें से एक मोहम्मद आसिफ था। अरे वाह,
द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड. सो यू नो मैं जो बात करता हूँ रूल्स रेगुलेशन सीधा चलना मेरिट मेरिटोक्रेसी, आप मेरिट पे मौका तो दें. इस मुल्क में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट. तो एक चीज अगर के हवाले से तो अनफॉर्चुनेट एंड बट स्टिल ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट बॉलर सभी उसकी तरह. लेकिन उसमें एक चीज और है, हमने जब शेखपुरा में ये काम किया तो मुझे था कि मैं ट्रांसफर हो गया तो पता नहीं ये सिस्टम चले या नहीं चले. तो मैंने एक मल्टीनेशनल से जिनके वहाँ पे बेस था उनसे बात की कि यार बच्चों को सपोर्ट कर दो. आई एम टॉकिंग ऑफ आई थिंक 2000 द ईयर 2000 कि इन्हें 3,000 रुपया महीने का मंथली स्टाइपेंड दे दो, 1500 इनकी क्रिकेट के लिए, सॉरी 1500 रुपया इनकी ट्यूशन के लिए. अच्छा. ताकि ये बुक्स और कोई ट्यूटर वगैरह रख सकें, कुछ तो पढ़ें. और 1500 रुपया गोश्त और दूध के लिए. बिल्कुल डाइट जरूरी. इतने गरीब घरों के ये बच्चे आते हैं, इनको कोचिंग तो बात की बात है, बेसिक न्यूट्रिशन तो ठीक है. बिल्कुल. और कुछ पढ़ें. अगर इन्हें इन्हें क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटी एज से आते हैं. बिल्कुल. तो इनको गाइडेंस की बहुत जरूरत है, ग्रूमिंग की. हाँ, उसी वजह से फिर इस तरह के वाकयात होते हैं. अच्छा, जो आपने 5 वज़रा आज़मों के साथ काम किया, किताब तो जब आएगी तो पढ़ेंगे, किताब तो आएगी तो फिर पढ़ लेंगे हम खरीद के, ठीक. लेकिन उन पांचों के नाम और उनकी एक पॉजिटिव क्वालिटी और एक नेगेटिव क्वालिटी, एक एक लफ्ज में, एक एक जुमले में, जितना आप कंफर्टेबल हो, जितना आप जा सके. और इसमें ये भी बता दें कि उनमें से हर एक ने कौन कौन सा ऐसा काम एक किया जो आपको लगा कि इंपैक्टफुल था. हो जाए, देखिए फिर उसे शुरू करते. द फर्स्ट वन, मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे पहली दफा मार्च 2014 में सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन लगाया. फिर मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने 3 साल के बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया. फिर खाकान अब्बासी साहब के साथ काम किया, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, फिर इमरान खान साहब के साथ काम किया, और इनमें आखिरी शहबाज शरीफ साहब. तो 4 हो गए. नहीं, केयरटेकर भी आ गए. सो 9 साल पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आई थिंक ये और लाहौर हाई कोर्ट की डिसीजन भी बड़ी अच्छी आई कि ये गद्दार कहना और सिलेक्शन वो नहीं होना चाहिए. देखें, कौन नहीं चाहता कि एक अच्छी लेगेसी छोड़े. आई थिंक हर प्राइम मिनिस्टर कौम के लिए बेहतरी सोचता है और अपने हिसाब से एक अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहता है. मुझे तो पांचों के साथ बड़ा मैं कंफर्टेबल रहा. चलिए एक एक पॉजिटिव तो बताए ना, सबसे पॉजिटिव डोमिनेंट पॉजिटिव क्वालिटी, फिर नेगेटिव पे मैं आहिस्ता से आ जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. आई थिंक मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कर्टियस. सही, वेरी कर्टियस एंड पोलाइट. ग्रेट, ठीक. खाकान अब्बासी साहब वेरी शार्प और उनकी विट अमेजिंग. केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज फॉर्मर चीफ जस्टिस and he was very to the point and remained within the four walls of his you know job. didn't exceed. sahi hai. cabinet meetings aksar 15-20 minute mein khatam ho jati thi because unhe maine mashwara diya tha through another minister jo unhone mana ki ji as caretaker koi aisa kaam nahi kare jo aane wali elected government ke masail ho ke even daur mein jaye. bilkul sahi. so koi boards appoint na kare koi ye wo. और उन्होंने उन्हें पसंद आया, उन्होंने माना वो. ठीक है. शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान. इमरान खान साहब शरीफ पे आते. सही. आई थिंक ओपन फॉर डिस्कशन, उन्हें आप हर बात बाकियों के सामने भी हम सबमिट करते थे लेकिन खान साहब इनकरेज करते थे कि आप जो चाहते हैं वो बताएं. इसलिए आई थिंक ये उनकी स्ट्रेंथ भी थी. ओके. शहबाज शरीफ साहब, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है और एक 12-13 पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट को बहुत ही मुश्किल काम है. बहुत तो मुश्किल काम है और वो आई थिंक उनका वो एक्सपीरियंस शायद ठीक है. अच्छा, और इनकी कोई ऐसी चीज जो इनमें बेहतर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, ये अगर यूं थोड़ा बेहतर कर लें. या देखें, बेहतरी की गुंजाइश तो हर एक में. सही. ये तो आई थिंक वुड बी unfair to any one of them to you know mention. चले हज़फ कर देते हैं फिर ये सवाल. हज़फ कर देते हैं, इस कार्रवाई से हज़फ कर देते हैं. फाइनली रिफॉर्म्स का जब हम कहते हैं, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म होने चाहिए, इमरान खान साहब के भी एजेंडा पे था, वो उस तरह से नहीं पाया तकमील तक पहुंचा. इशरत साहब की किताबें उस पर आई हुई हैं. 3 ऐसे इशूज जिन पे आप कहते हैं फौरी काम होना चाहिए, विच विल इम्प्रोवाइज आर सिविल सर्विसेज. देखें, सबसे पहले तो
एक चीज़ देखनी चाहिए कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑन ग्राउंड, जिसे हम कहते हैं जहाँ पे ऑर्डिनरी आदमी की गवर्नमेंट के साथ इंटरफेस होता है जी, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। वो भले हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़े, डिजिटल एज है, हमें लोगों को इंटरपर्सनल इंटरेक्शन से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। सारे बड़े बड़े जीनियस लोग हमारे सिविल सर्विसेज में हैं। आटे का निजाम अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन देख लें क्या हालत हो रही है, बहुत मतलब हम आटा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन हम पाकिस्तान की बेस्ट लॉट सिलेक्ट करते वो वहां जाकर आटा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किस तरह कर रही है सारी दुनिया को पता है सर। बिल्कुल। दूसरी चीज, सेकेंडली आई फील के आपको इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन, आपने पहले जो आई थिंक पहला क्वेश्चन था आपका, आई फील के विद इन द सर्विसेज आपको सब स्पेशलाइजेशन करवानी पड़ेगी, और ये शुरू से आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देखें फॉर एग्जांपल, उनकी फॉरेन सर्विस में 4-5 डिफरेंट स्ट्रीम्स विद इन फॉरेन ऑफिस उनकी वो है, उनकी डिप्लोमेटिक सर्विस है, कॉम्स की है, उनकी कमर्शियल सर्विस है, उनकी पॉलिटिकल सर्विस है, उनकी जनरल सर्विस है। हाँ। सही है। सो आप उसमें से अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। और तीसरा आई फील मेरिटोक्रेसी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो आपने कहा था। अगर आप बाकी रिफॉर्म्स भले बाद में भी कर लें, सही आदमी अगर आप हर जगह पे लगा देंगे उससे इमीडिएट इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद नवाज सुखेरा साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे हिलाल इम्तियाज, और इनके वालिद साहब भी पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को, और इन्होंने भी किया, और हम शुक्रगुजार हैं उन सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और मुल्क को की खिदमत कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद खवातीन की तालीम पर पाबंदियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है, और तालिबान ने यह कहकर पाबंदी आयद की कि तालिबान ड्रेस कोड को नजरअंदाज करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए खानदान के मर्द का साथ होना लाजमी करार दिया गया, लेकिन तालिबान के मुताबिक तालिबात इस हुक्म पर भी अमल नहीं करती। तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल भी 1 साल से बंद किए हुए हैं, अगरचे तालिबान स्कूल बंद होने के वजूहत जो है वो फंड की कमी और सिलेबस को इस्लामी तालीम में ढालने के दरकार वक्त करार देते हैं, लेकिन असल वजह बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि तालिबान के जो अमीर हैं वो खवातीन की जदीद तालीम के मुतालिक अच्छे ख्यालात नहीं रखते। अक्वामे मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर का कहना यह है कि नए तालीमी साल के दौरान 6ठी से 12वीं जमात तक की 10 लाख से ज्यादा लड़कियों को तालीम की इजाज़त नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि क्या इस्लाम खवातीन की तालीम पर पाबंदी आयद करता है क्या, और क्या अफगान तालिबान का खवातीन की तालीम के मुतालिक यह रवैया इस्लाम से ज्यादा अफगान कल्चर की वजह से है? क्या इन रवैयों के बायस तालिबान दुनिया से मजीद अलग थलग नहीं हो रहे? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन हाफिज साजिद महमूद अल-ज़ाहरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बहुत अहम ये मौजू है, और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आगाज इस्लाम से ही हो कि इस्लाम की तालीमात हमारे लिए क्या हैं जब हम बात करते हैं खवातीन की तालीम की, या उनके घर से बाहर निकलने की, नौकरी के तरफ जाने की, या जो घर के बाहर के मामलात हैं उनके हवाले से खवातीन की तालीम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है? ठीक है, पहले तो आप देखिए कि मैं डायरेक्ट जो खवातीन की तालीम के हवाले से जो इस्लामिक पॉइंट है उसके ऊपर बात करने से पहले अगर एक चीज़ के शुरू में हम वजाहत कर दें कि जो कोई भी हुकूमत है किसी भी मुल्क के अंदर, तो ये उसका राइट होता है कि वो जैसी भी कानून साजी करे, कोई भी लेजिस्लेशन करे अपने शहरियों के लिए, उसका राइट है, वो कर सकती है। लेकिन जब उस कानून को और उस लेजिस्लेशन को अच्छा सर इधर मैं और मंसूब किया जाएगा इस्लाम की तरफ, तो फिर वहां पे कमेंट बनेगा और फिर वहां पे उलमा की राय आएगी कि क्या ये जो कानून जिसको इस्लाम की तरफ मंसूब किया गया है, क्या ये अकॉर्डिंग टू शरिया है या नहीं है, है कि नहीं?
तो अगर तो वो कोई अपना इंतजामी और मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि कोई भी कानून है अगर उसको इस्लामी कानून के तौर पर कहा जाएगा तो फिर उस पर बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके ऊपर बात होगी और उलमा अपना अपना उसके ऊपर राय देंगे क्योंकि आपने उस कानून को मंसूख कर दिया इस्लाम की तरफ। जब आप ये कहेंगे कि औरतों की जो तालीम है खवातीन की वो हराम है, मना है अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू शरिया, तो फिर कमेंट इस तरीके से बनेगा कि इस्लाम के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है। इस्लाम ने, अब जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो दीन इस्लाम है ये मुसावात पर मबनी तालीमात का दीन है, इसके अंदर मर्द और औरत के लिए बराबर जो हुकूक हैं और वाजिबात हैं वो दिए गए हैं, और फिर इस्लाम जो है वो दीन फितरत है और तालीम जो है ये फितरी चीज है मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। तो कैसे पॉसिबल है कि जो दीन दीन फितरत हो वो उसको मना कर दे, उस चीज को जो फितरी चीज है, और उसको हराम कर दे। और फिर आप ये देखिए कि जो पहली वही नाजिल होती है अल्लाह के रसूल के ऊपर, वो कोई उसमें कोई नमाज का हुक्म नहीं दिया गया था या कोई ज़कात का या चैरिटी का हुक्म नहीं था। वो पहला हुक्म जो दिया गया था वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल्कलम। और ये ठीक है, ये अल्लाह के रसूल को मुखातब होके फरमाया गया था कि अपने रब के नाम से पढ़िए, लेकिन ये भी उलमा का एक बिल्कुल एक प्रिंसिपल है कि हर वो हुक्म जो कुल्लु अम्रिन मुअज्जहुन इलन नबी मुअज्जहुन इला उम्मती, जो भी हुक्म अल्लाह के रसूल को दिया जाता है वो उनकी उम्मत के लिए भी होता है, और इसमें कोई तफरीक नहीं थी कि वो तालीम मर्दों के लिए होगी या औरतों के लिए होगी। और आप यहाँ पे देखिए इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जिसमें औरतों ने मर्दों को तालीम दी है। आप सैयदा आयशा की मिसाल लीजिए, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाहर सहाबा इकराम जो आके उनसे तालीम लेते थे, और सैयदा आयशा जो है वो इल्मुल फराइद जो मिरास के अहकाम है उनमें एक्सपर्ट थी, और इल्मुल हलाल वल हराम और हराम और हलाल का जो इल्म है उसमें एक्सपर्ट थी, और के बाहर सहाबा आके उनसे जो है वो तालीम ले रही है। और फिर देखिए कि जब खवातीन ने अल्लाह के रसूल के पास ये आके अर्ज की कि या रसूलल्लाह सारा टाइम तो मर्द जो है वो आपका आपके पास होते हैं और आप उनकी तालीम और तरबियत, औरतों के लिए कोई टाइम नहीं है, तो स्पेसिफिक टाइम जो है वो खवातीन की तालीम के लिए दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल ने एक बिल्कुल पूरा दिन जो है वो फिक्स किया खवातीन की तालीम के लिए, और आपने उनको वहां पे तालीम दी। और ये इजाजत की बात तो बहुत दूर की बात है इस्लाम के अंदर, इस्लाम तो इसकी ना सिर्फ इजाजत है बल्कि तरगीब है बल्कि हुक्म है। हदीस में है तलबुल इल्मी फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, जो इल्म का हुसूल है ये फरीजा है, जिस तरह नमाज आपके ऊपर फर्ज है, जिस तरह जक़ात फर्ज है, जिस तरह दीगर अहकाम फर्ज है, इसी तरह तालीम का हुसूल ये मुसलमान मर्द पर और मुसलमान औरत पर ये फर्ज है। और अल्लाह के रसूल ने फरमा अल हिकमत दालतुल मुमिन फहुवा अहक्कुन बिहा ऐनमा वुजिद, जो हिकमत है जो विजडम है जो नॉलेज है ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है। अब मोमिन में कोई ये ना समझे कि यहाँ पे मोमिन मर्द है, मोमिन से मुराद मोमिन मर्द भी है मोमिन औरत भी है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये उनकी गुमशुदा मिरास है और वो ज्यादा हकदार है जहां से भी उसको मिले। तो ये बिल्कुल खवातीन की तालीम के हवाले से इस तरह का जो कानून है कि ये अकॉर्डिंग टू शरिया कि इस्लाम ने मना कर दिया औरतों की तालीम को, इस्लाम ने हराम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम बल्कि तरगीब दे रहा है, तालीम दे रहा है और हुक्म दे रहा है कि ये फर्ज है तालीम का उसूल मर्दों पर भी और औरतों को, और औरतों को तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि औलाद की जो पहली दर्जगाह है वो माँ है, और अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो औलाद और खानदान जो है वो पढ़ा लिखा होगा। और हम सारे लोग जानते हैं कि मुआशरे की जो बुनियादी इकाई है वो खानदान है, अगर एक खानदान पढ़ा लिखा है तो वो मुआशरा पढ़ा लिखा मुआशरा होगा, वो मुल्क पढ़ा लिखा होगा और वो मुल्क आगे पूरी दुनिया के अंदर तरक्की करेगा। अच्छा, अब इसमें दो तीन और भी चीजें जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि अब जो रूल्स बनाए गए हैं कि यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए एक खानदान के मर्द का साथ होना लाजमी करार दिया गया है,
इस रूल को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब अगर मर्द जो है वो कोई काम करने गया हुआ है तो किसी का है नहीं, या किसी का मर्द नहीं है, क्योंकि जाहिर है जंग भी है, वो वहां पर जंग भी रही है, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जिनके घर पे कोई इस तरह मर्द नहीं है या फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये रूल बना देना कि वो औरत अगर यूनिवर्सिटी जाएगी या वहां से वापस आएगी तो उसके साथ कोई मर्द होना चाहिए, ये इसका भी कोई इस्लामिक बेसिस तो नहीं है? अच्छा, जो महरम वाला, मैं जो समझा हूँ कि महरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो असल में इस वजह से औरत की प्रोटेक्शन के लिए है, औरत की हिफाजत के लिए, कि जब आप ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तालीम के लिए जा रही हैं, जॉब के लिए जा रही हैं, किसी और मकसद के लिए जा रही हैं, तो आपके साथ कोई महरम हो ताकि वो रस्ते में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो आपको प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन अगर वो रास्ता ऑलरेडी सिक्योर है, इसको सुहबा आमिना के नाम से फुकहा ने इसको डिस्कस किया है कि अगर वो रास्ता जो है वो सिक्योर है, उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, या आपके पास कुछ और खवातीन हैं जो आपकी कंपनी में जा रही हैं और या वहाँ पे जो पुलिस की सिक्योरिटी है या कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी इज्जत के हवाले से, या आपको कोई तंग करेगा या है कि नहीं, तो अगर वो सिक्योर है रास्ता तो फिर तो आप जा सकती हैं, तालीम के लिए भी और किसी भी पर्पज के लिए आप जाना चाहें। और देखिए, एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब कुरान मजीद ने ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, तो इसमें सैयदना अली ने इसकी तफसीर में ये फरमाया कि इससे मुराद ये है कि अपनी औलादों को अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपनी औलाद को तालीम दो और अपनी औलाद की तरबियत करो, क्योंकि तालीम और तरबियत के जरिए से आप अपनी औलाद को जो आग से बचा सकते हैं, और ये जहन्नुम की आग भी है और दुनिया की आग, यानी दुनिया की आग कैसे होगी, अजाब दुनिया का क्या होगा कि अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है तो इस यहाँ पे जो है वो आप जो प्रॉब्लम्स हैं मुआशी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या दीगर, तो आप उसको मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आप बिल्कुल ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जो खुशहाल नहीं होगी और किसी भी तरह की प्रॉस्पेरिटी उसके अंदर नहीं होगी। तो दुनिया की जो कामयाबी और निजात है वो भी तालीम के जरिए से है, और आखरत की जो कामयाबी और निजात है वो भी तालीम के जरिए से ही पॉसिबल है। बड़ी अहम बात की आपने, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी जो है वो तालीम के हवाले से ही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ हाफिज़ साजिद महमूद साहब और ख्वातीन की तालीम के हवाले से बात हो रही थी, जो भी रूल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं वहाँ पर उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से किए हुए हैं, और उस कल्चर का इस्लाम से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम इस बात को कैटेगरिकली रिजेक्ट करता है कि ख्वातीन की तालीम पर कोई पाबंदी लगाई जाए, इस्लाम इनकरेज करता है इस बात को कि ख्वातीन और मर्द दोनों तालीम हासिल करें और दोनों पर यह तालीम फर्ज करार दी गई है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। यूं लगता है कि पाकिस्तानी सियासत की जो इमारत है वो इंतकाम की ईंटों पर उस्तवार है और बुनियादों में भी उसके इंतकाम जो है वो रच बस गया है। मौजूदा हुकूमती जमातें पीटीआई दौरे हुकूमत में सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम आयद करती रहीं, अब पीटीआई हुकूमत से बाहर है तो जाहिर है उनके रहनुमाओं के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पर मुतअद्दिद एफआईआरें उनके खिलाफ काटी जा रही हैं, बगैर वारंट के उनको उठाया जा रहा है, बेल पर वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस किस्म की हुकूमत की पसंदीदा जो ये दफात हैं वो पीटीआई के मुताबिक जो हैं वो सेडिशन की हैं, गद्दारी की हैं, बगावत के हैं, दहशतगर्दी के हैं, इस किस्म के सारे मुकदमे जो हैं वो इनके खिलाफ हो रहे हैं जी। तो अब हमने एक ऐसी खास शख्सियत को जरा चुना है अपने आज के प्रोग्राम के लिए जो कि अभी अभी जेल यात्रा से वापस आए, जरा उनसे पूछ लेंगे कि भाई ये सफर उनका कैसा रहा। हसन नियाज़ी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हमारे हाल छोड़े हैं, हम ठीक ठाक हैं अजान, हमारी अभी जेल यात्रा नहीं हुई है और हम जाना भी नहीं चाहते। सुनाए आपने बड़ा आते साथ ही आपको बड़ा जाहिर वेलकम किया गया पार्टी की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, बड़े केक हेक भी काटे, आपकी सालगिरह भी क्या जेल में गुजरी थी? हाँ, सालगिरह क्वेटा से, जब अडियाला जेल से लेके क्वेटा लेके गए थे तो मेरी रास्ते में गुजरी थी, वो 18 घंटे तो वैसे रास्ते में गुजर गए थे।
18 घंटे वैसे ही रास्ते में गुजर गए थे, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अब अगर इफ वी स्टार्ट विद द एफआईआर्स, तो कौन कौन सी एफआईआर्स आप पे हुई हैं, क्योंकि 5 तो हमें जहन में है मुख्तलिफ शहरों में, और उन शहरों की जो एफआईआर्स थी उनके हवाले से बताइए कि उनमें लूप होल्स क्या थे. कोयटा के बारे में कहते हैं आप कभी कोयटा नहीं गए थे, नौशहरा में आप पे एफआईआर हुई हुई है, नौशहरा आप पता नहीं कब गए हैं, तो जराइम क्या क्या थे वो भी बताइएगा कि आपने क्या क्या जुर्म किया, आपको क्या क्या पता चला. जो पहली एफआईआर थी वो तो इस्लामाबाद में, अच्छा एफआईआर तो बहुत कट चुकी हुई थी पहले तो, बल्कि जिस दिन अरेस्ट हुआ था 3 बेल्स कंफर्म करवा के आया था बेल्स, और एक नई बेल अप्लाई करके आया था खाली एक दिन में ही. तो जिस दिन निकला हूं तो बाहर चौकी थी, चौकी पहले भी क्रॉस करके अंदर आया था, यूनिफॉर्म के अंदर था, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था. मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये बात सही है कि वहां रूमर था कि आज अरेस्ट करेंगे ये ना, लेकिन मैंने कहा मैं यूनिफॉर्म में हूँ, वकील हूँ, शायद मतलब कुछ लिहाज किया जाए कोर्ट्स का यूनिफॉर्म का. लेकिन वो मैं बाहर गया तो वो चौकी क्रॉस भी कर ली, बल्कि पुलिस वालों ने जाने भी दिया. पीछे काले डाले में एक एसपी आया, उसने गाड़ी रोकी, उसने बैठा लिया. गाड़ी चला रहा था एक लॉयर. तो बाद में अरेस्ट करके ले तो गए, कुछ 4-5 घंटे तो पता चला कि किसी को पता ही नहीं था मैं हूँ किधर पे. इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने जब मेरे लिए एक हैबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल हुई तो नोटिस लिया, और जब नोटिस लिया तो इन्होंने, जाहिर है एक विटनेस भी था वकील जिसने एसपी को अरेस्ट करते देखा, इन्होंने एक एफआईआर बना दी कि उस चौकी पे लड़ाई हुई, मैंने गन निकाल ली, मेरे साथ बंदे ने भी गन निकाल ली, हमने चौकी तोड़ दी. वो चौकी तो खैर थी नहीं, पुलिस बस साइड पे खड़ी थी, जाने दे रही थी. तो पहली तो झूठी एफआईआर उधर आ गई. फिर मुझे इस्लामाबाद से जब मैं रिलीज हुआ क्वेटा लेके, क्वेटा में एफआईआर बना दी कि मैं क्वेटा में 18 मार्च को मैंने एक प्रोटेस्ट कराया था एयरपोर्ट रोड के ऊपर, और वो एफआईआर जब कटी तो उसमें मेरा नाम नहीं था. तो एक स्टेटमेंट डलवाई एक क्वेटा के बंदे के नाम से कि इस बंदे ने कहा है कि वो जो प्रोटेस्ट है वो हसान ने करवाया था, जिसको 109 की स्टेटमेंट बोलते हैं. अच्छा फनी बात यह है कि वो बंदा जिस दिन मैं अदालत में पेश हो रहा था वो बंदा जमान, बिल्कुल वो बंदा जमान पार्क बैठा था, उसको खुद भी नहीं पता था उसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ. तो अगले दिन खैर वो बंदा जल्दी से क्वेटा आया, उसने कोर्ट के अंदर ये बयान भी दिया कि मैंने ये स्टेटमेंट ही नहीं दिया जिससे हसान को एक्यूज बनाया जा रहा है उस एफआईआर का. उसके बाद मैं लाहौर आया, लाहौर में मुझे जिले शाह की एफआईआर में डाल दिया. जिले शाह की एफआईआर मैं कटवाने गया था, और बाद में मुझे पता चला जिले शाह की एफआईआर मेरे पे कट गई. और उसके बाद आपको पता है मैं कराची गया, तो कराची में मेरे पे बगावत और ट्रीजन की एफआईआर डाली. और इत्तफाक है कि जिस दिन वो एफआईआर की वजह से मैं जेल में बंद था, उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का कानून ही खत्म कर दिया, जो गोरों का बनाया हुआ कानून है. बिल्कुल वहां से फारिग हुआ तो नौशहरा की एफआईआर आ गई. नौशहरा की एफआईआर भी अगेन जिस बंदे ने कटाई वो खुद जेल में है, और वो एफआईआर की वर्डिंग ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे हसान की फलानी स्पीच देखी और उसके बाद मुझे लगा ये इंतजार फैला रहा है. तो जो बंदा जेल में हो वो व्हाट्सएप यूज कैसे कर रहा था, सोशल मीडिया यूज कैसे कर रहा था. तो फिर नौशहरा की एफआईआर आ गई. तो आई थिंक बाय दिस टाइम वो जजेस को भी समझ आ गई ये सारी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, स्टेट की मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज है, वो जो पावर ऑफ स्टेट मिस यूज हो रही है. तो फिर जज ने, कराची वाले जज ने, एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा होंगे ना, आपको टूरिज्म एक एजेंडा है हमारे मुल्क की जो है वो टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, आपको सैर करवा रहे हैं मुख्तलिफ जगह की, आप कह रहे हैं ये ऐसी बात है, ऐसा थोड़ी होता है सर. नहीं वो तो मैं भी सैर ही कर रहा था, मैं भी उसको, आपने अगर गौर नहीं किया, मैं उसे सैर समझ के एंजॉय भी कर रहा था थ्रू आउट. मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था, मैं लोगों से भी मिल रहा था. जब हियरिंग होती थी सोशलाइजिंग करता था, अच्छी है, मजा तो मुझे भी आ रहा था. तो अच्छा ये एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा ऑन अ सीरियस नोट, वन पीस में ही वापस आए हैं आप. हाँ, क्योंकि आपने ट्वीट की हुई थी कस्टोडियल टॉर्चर की, तो उसके हवाले से भी जरा बताइए कि क्या किस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया.
बिल्कुल काफी ज्यादा तंग किया, इसमें कोई शक नहीं। दिन मैं दिन को मैं अपने मुताबिक अपने दिल के मुताबिक अपना फेशियल एक्सप्रेशन रखता था, अपनी हिम्मत दिखाता था। शाम को जाहिर है मैं उनकी कस्टडी में होता था तो वो उसके मुताबिक रात को ट्रीटमेंट देते थे, करते थे। बट अब मैं देखता हूँ तो मुझे शायद कुछ फील नहीं हुआ, और आई थिंक उसकी एक वजह ये होती है कि शायद मैंने एक चीज अपने जहन में बनाई हुई थी कि उनके और मेरे बीच में अल्लाह मियाँ इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी। कि जब आप कहते हो कि अल्लाह, अगर आपकी प्रोटेक्शन अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ने आपका सेफ्टी सिक्योरिटी जिंदगी मौत रिस्क अल्लाह ने लिखा है, तो जाहिर है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो जब चार पांच घंटे पहली रात उन्होंने मुझे किया, किस तरह का टॉर्चर, तंग करते थे, मेंटल फिजिकल क्या था? दोनों, मेंटल भी था फिजिकल भी था। मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता उसकी, बट जाऊंगा। ठीक है जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता। खाना पीना, खाने पीने के हिसाब से वो क्या था, क्योंकि सुनने में आया था कि सिद्दीक जान को खाना नहीं देते थे तो जुल्फी को डेथ सेल में रखा हुआ था, जुल्फी बुखारी को, तो आपको किस किस्म की जगहों में रखा हुआ था और खाने पीने का क्या था, मिल रहा था आपको या नहीं मिल रहा था? वो जो डेथ सेल जिसकी जुल्फी बात कर रहा है वो तो बड़ी अच्छी जगह थी, वो तो मैं भी उसमें रह के, वो तो नेमत होती थी। कम अज कम वहां आपको रात जगा के नहीं रखते थे, तो वो तो फिर बेहतर जगह थी। लेकिन खाना पीना इस तरह डिस्टर्ब हो जाता था ना कि आपको वो कांस्टेंट मूव कर रहे हैं, उठा के रख रहे हैं, कभी इधर से मूव कर रहे हैं, शहरी पे आप मोटरवे पे हो, अफतारी पे आप किसी हाईवे के ऊपर हो, आपकी शिफ्टिंग चल रही है। मुझे याद है कोट लखपत जेल जिस दिन लेके जा रहे थे, मैं कोट लखपत जेल के गेट में मुझे रजिस्टर कर रहे थे एज ए प्रिजनर, अफतारी का टाइम था। तो जब मैं अंदर जाके बैठा अंदर, तो मैंने कहा भाई अब रफ्तारी का क्या बनेगा, अब कहते हैं अब तो रफ्तारी खत्म होगी, अब सहरी मिलेगी आपको। तो इस तरह के पोते थे मील्स। और दूसरी बात ये, वो जो आपको एक ज़हनी प्रेशर डालते हैं, समटाइम्स आप का खुद भी दिल नहीं करता इन लोगों में, इनकी शक्लों के सामने खाना खाने का, तो वो एक होता है। कभी कभार वो आपको आपका आपका आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते आपका दिल ही नहीं करता खाना खाने का, आपको आपका जिस्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता खाना। लेकिन अच्छा होता है फिर मैंने खाने की क्वांटिटी कम कर दी। आपने एक ट्वीट की, इनफैक्ट जो तस्वीर हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर चल भी रही है, आपके वालिद साहब की तस्वीर, और आपने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ थे और सारी पेशियों में भी जाहिर है बिल्कुल लोगों ने भी देखा, तो वो जो रिलेशनशिप है आपकी उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा, वो जो ट्वीट थी आपकी। मैंने वो जाहिर अब्बू को पता चला, अब्बू सीधा लाहौर से इस्लामाबाद आ गए, और अब्बू को ऑलरेडी अननोन नंबर से धड़ आती रही थी पिछला एक महीना, जाहिर है किसी को बताता तो नहीं थे हम, और अब्बू को कन्वे हो रहा था कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं ना, नामालूम अफराद की तरफ से। तो एक सिलसिला था, फिर खैर अब्बू आ गए, अब्बू जाहिर अब्बा को एंजाइटी भी थी, पैनिक भी था। तो उसके बाद साथ साथ थे बाय रोड क्वेटा आ रहे हैं, सो नहीं रहे, सहरियां भी रोड पे हो रही हैं, ना रोजे रख सक रहे सही तरह। तो अब्बू का वेट लॉस हो गया, तबीयत डाउन रही काफी, और मैं रोकता था, मैं कहता था लाहौर जाए वापस, वहां से लाहौर आ जाते थे, लाहौर से कराची आ गए। तो फिर कराची में उनको हमने थोड़ा सा, मैंने अपने जो लॉयर्स थे मैंने उनको इनको कहा कि इनको झूठ बोलो कि कल पेशी है लाहौर में, तो आप लाहौर फ्लाई कर जाए, सुबह फ्लाइट नहीं है। तो इसी तरह उनको फ्लाइट में बैठाया, शाम 6 बजे लाहौर भेज दिया। तो वरना तो अब्बू नौशहरा भी पहुंच रहे थे, तो कहने वो फिर जस्ट मुझे लगा कि एट 70+ और इमरान खान साहब उन्होंने भी मुलाकात, वो क्या कहते हैं जब आप बाहर आए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके उस ट्वीट के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि देख लें आपके वालिद साहब इस जगह पर मौजूद हैं लेकिन खान साहब मौजूद नहीं है। नहीं, अगर किसी ने खान साहब की मीनार पाकिस्तान की तकरीर सुनी हो तो सबने बड़ा क्लियर, उन्होंने अपना वो जो इमोशन जो दर्द फील कर रहे थे वो विजिबल भी कर दिया था, और मेरे साथ रबते में थे, मेरे साथ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन भी थी। और जाहिर आपने देखा कि जिस तरह की मुझे रिसेप्शन मिल रहे थे,
जिस तरह का मेरा और जी अब जी। मैं हर बात नहीं बता सकता कि पार्टी की जाहिर है कई चीजें थानों में कई दफा दवाइयां पहुंचाना उसमें पीटीआई वालों का बड़ा सख्त हाथ था और ये नहीं है कि किसी ने नहीं किया, ये कोई कर ले अच्छा है, कोई ना करे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अपने कॉज के लिए और एक जिहाद में लगे हुए, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। अगर अगर फर्ज करे कोई आ जाए आपके लिए अच्छी बात है, कोई ना आए वो उसका अपना है, इसमें कोई वो नहीं, आप किसी से कोई लाइक्स या डिसलाइक्स नहीं आपको चाहिए, आपको बस अपना। लेकिन आजाद कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के सोशल मीडिया को चला रहे थे, अजहर भी वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग चला रहे थे जिन्होंने बाहर निकल के फिर जाहिर है ट्वीट्स की, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो है उन्होंने कहा कि हम अब पार्टी के साथ नहीं है या हम पाकिस्तान के मुखालिफ इस किस्म का कोई बात नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर आपको दोबारा अरेस्ट करते हैं, तशद्दुद होता है किसी किस्म का, फिजिकल हो मेंटल हो, दोबारा आपको कहते हैं छोड़ दो इमरान खान को, साइड पे हट जाओ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? देखिए ये तो नहीं हो सकता कि वो मुझे मेरे कॉज से हटाएं। इनफैक्ट जब पहले दिन मुझे पकड़ा तो उन्होंने मुझे ये कहा भी नहीं, विच वॉज जिसपे मैं बड़ा ठीक था, मैंने कहा चलो यार ये तो बड़ी बात है कि आपने ये नहीं कहा। लेकिन ये जो लोग डाल रहे हैं ट्वीट्स, मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि स्टेट से आप नहीं लड़ सकते एक हद के बाद, तो जाहिर है जब आपको पकड़ के आपको जब उल्टा टांग देते हैं तो ठीक है आप ऐसी ट्वीट्स डाल दो, मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मेरी ना मैं थोड़ा एक डिफरेंट पोजीशन पे था, मैं जाहिर है मैंने अपनी जगह पोजीशन स्टैंड रखनी थी, मेरे लिए ये था कि कम से कम मैं खबर में आ जाता था, वो बेचारे खबर में नहीं आते, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि कम से कम वो छूट गए, जैसे चाहे ट्वीट भी करनी पड़ी, माफी भी मांगनी पड़ी, अच्छा हुआ छूट गए, बड़ा खौफनाक होता है, ये लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाता है। हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। हसन खान ने अजी नजरीन हमारे साथ मौजूद थे, इमरान खान साहब के भांजे भी, फोकल पर्सन टू इमरान खान ऑल्सो, और जेलें काट के आए हैं जेल यात्रा से, और आपने उनके जज्बात और एहसास सुने। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे।